हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए। तो डीएनए क्या है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए, फर्स्ट फर्स्ट ही हम डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई डीएनए की। तो डीएनए को सबसे पहले आप लोगों ने, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का जो खोज है किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, फ्रेडरिक माइकर ने। तो न्यूक्लिक एसिड के डिस्कवरी के साथ ही क्लियर हो गया। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड टू टाइप, डेट इज द डीएनए एंड आरएनए। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले डिस्कवरी कैसे हुई। तो फ्रेडरिक माइकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पस सेल्स के न्यूक्लियस से न्यूक्लीन को प्राप्त किया। किसको, न्यूक्लीन को आइसोलेट किया, न्यूक्लीन को आइसोलेट किया, और इसी न्यूक्लीन ही क्या है, ये डीएनए है। तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि डीएनए क्या है, वो न्यूक्लीन, न्यूक्लीन है। आगे चल के न्यूक्लिक एसिड क्या रहा, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लीन इन्होंने बताया। फिर आगे चल के थ्री साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्किंस, इन्होंने डीएनए की खोज की, फ्रेडरिक माइकर ने। फिर उसके बाद विल्किंस, एसबरी और फ्रैंकलिन, ये तीन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से डीएनए के स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी किया, और उस स्टडी से बताया कि डीएनए जो होता है वो एक स्पाइरल, कह सकते हैं स्पाइरल मॉडल दिया। इन्होंने ही, तीन जो साइंटिस्ट थे, विल्किंस, एसबरी एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने ही क्या किया, डीएनए के स्ट्रक्चर का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से इनको क्या किया, डिटेल में स्टडी किया, किसका स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, और बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरल होता है। फिर आगे चल के विल्किंस और ये दो तीन साइंटिस्ट हैं, कौन से, जेडी वाटसन और क्रिक ने, इन्होंने क्या किया, इनके ही स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करके इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, डीएनए की केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इनके एक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसे हम जानते हैं जेडी या वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, या डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे जो है डीएनए के सबसे पहले माइकर ने खोज किया, फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में तीन साइंटिस्ट, विल्किंस, एसबरी और इनको जो है, फिर उसके बाद जो है ये दो साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, इसके स्ट्रक्चर किया, और जिनको जो है विल्किंस को के साथ इनको जो है एक 1956 में नोबेल प्राइज इन्हें मिला। ठीक है, किसको, विल्किंस और इन सबको जो है कंबाइंड ग्रुप में जो है इनको एक नोबेल प्राइज मिला 1956 में, जो जेडी वाटसन या जो क्रिक मॉडल जो है उसके बेस पे इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो पेंटोज शुगर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट जो होता है राइबोज शुगर और सेकेंड होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो हम बात करते हैं डीएनए है क्या। तो डीएनए इज ए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज एन एसिडिक सबस्टेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये एक एसिडिक सबस्टेंस होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, डीएनए इज ए प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है डीएनए क्या है, एक प्राइमरी जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके, एक्सेप्ट खुद कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल वायरस, और वायरस हो या कोई भी हो, इनमें जो है कुछ ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शन, जिसमें जो है डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन क्या है, डीएनए हम पढ़ क्यों रहे हैं, डीएनए की स्टडी हम कर क्यों रहे हैं। तो डीएनए का जो मेन फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो क्या है, पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ऐड करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम। हमारे बॉडी में क्या जरूरत है, हमारे बॉडी में क्या चाहिए,
प्रोटीन जो भी हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, बॉडी को जो है प्रोटीन सेल्स को हमारे क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, एंजाइम भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, तो सब चाहिए। तो इसमें जो प्रोटीन और एंजाइम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो लीडिंग का काम कर रहा है डीएनए, तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग सेल्स कह सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लीड टू द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, और किसके थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू या सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू जो है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए की। डीएनए तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ए फॉर्म, उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म और जेड फॉर्म, ठीक है। तो जेड फॉर्म के डीएनए, ये डिफरेंट टाइप के डीएनए हैं, आगे चल के हम इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, आपने अभी डिस्कस किया था मैंने अभी, कि विल्किंस, एसबरी और फ्रैंकलिन ने जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से स्टडी किया और बताया कि स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है या स्पाइरल मॉडल ऑफ डीएनए इन्होंने दिया। फिर आगे चल के जेडी वाटसन और एफसी क्रीक ने क्या किया था 1953 में, इनके जो डीएनए का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एक कंक्लूजन निकाला और एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, और उसी स्ट्रक्चर को हम जानते हैं डबल हेलिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो आइए डिस्कस करते हैं, वो जो 1953 में जेडी वाटसन और इन्हें डबल हेलिक्स मॉडल दिया, तो इनमें कुछ पॉइंट उन्होंने बताए, कुछ कंक्लूजन निकाला उन्होंने और बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टू टाइप डीएनए इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। क्या होता है, देखिए डीएनए जो है ये क्या है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है, ये टू टाइप ऑफ, वन टाइप एंड सेकेंड टाइप, टू टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलकर बना होता है, दैट इज द स्पाइरली क्वाइल्ड। देखिए स्पाइरल के फॉर्म में ये क्या है, क्वाइल्ड है, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया टू चैन आर द एंटी पैरलर, देखिए एक दूसरे के क्या है, पैरलर है, नहीं है, एंटी पैरलर है, देखिए आप एक दूसरे के क्या है, ये एंटी पैरलर है। नेक्स्ट पॉइंट बताया पॉलीपेप्टाइड चैन आर मेड अप ऑफ द फॉस्फेट सुगर बैकबोन, ये इनका जो पॉलीपेप्टाइड चैन है ये किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट सुगर चैन से, देखिए फॉस्फेट सुगर चैन होता है, ये फॉस्फेट सुगर बैकबोन है, क्या है ये, फॉस्फेट सुगर बैकबोन, ये फॉस्फेट सुगर बैकबोन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया टू पॉलीपेप्टाइड चैन आर हेल्ड टूगेदर बाय ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये दो पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो इसमें जो है ये एक दूसरे से क्या होता है, कंबाइन होते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो भी पेयरिंग होती है इसमें पिरिमिडीन और प्यूरीन बेस के बीच में, आप कह सकते हैं हमेशा प्यूरीन और पिरिमिडीन जो बेस है उनमें जो एक दूसरे से वो कंबाइन हुए होंगे, जुड़े होंगे, वो किससे जुड़े होंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हमेशा एडिनिन जो होता है डबल दो बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी डबल दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, किससे, थायमिन से। और जो साइटोसिन जो होता है वो जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड, किससे, ग्वानिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी में जो है दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी यानी साइटोसिन से ग्वानिन जो है वो उसमें कितने हैं, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, फिर एक रूल लगा इसमें कि मान लीजिए हमने तो बता दिया, आगे इन्होंने पॉइंट बता दिया कि एडिनिन जो है थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से जुड़ा होगा, तो उनमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें टू हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन एक क्यों टी से कर रहा है। इसके लिए इरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया जिसे बहुत ही फेमस रूल है, आप पढ़ते आ रहे होंगे बहुत पहले से, कि चारगाफ रूल। तो उन्होंने एक चारगाफ रूल दिया और उस रूल से बताया एडिनिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द थायमिन, यानी आल्सो इट बाइंड, एडिनिन इज आल्सो बाइंड टू द थायमिन बाय द टू हाइड्रोजन बॉन्ड,
सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया ग्वानिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू साइटोसिन, तो उन दोनों में जो है यानी ग्वानिन इज आल्सो बाइंड बाय द साइटोसिन। और इन्होंने बताया एडिनिन प्लस थाइमिन रेशियो साइटोसिन प्लस ग्वानिन रेशियो इज वन, रेयरली वन हो सकता है एंड नॉर्मली 0.64 to 1.4 वैल्यू हो सकता है। इन्होंने बताया रेशियो ऑफ एडिनिन प्लस थाइमिन एंड साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 1 इन रेयरली केस एंड नॉर्मल वैल्यू ऑफ द दिस रेशियो इज 0.64 to 1.4 इन्होंने बताया एर्गिन चारगाफ ने। और हमेशा जो पिरिमिडीन और प्यूरीन बेस जो होते हैं इसमें वो हमेशा चारगाफ रूल को फॉलो करते हैं, एडिनिन इन आल्सो बाइंड टू द टू हाइड्रोजन बाइंड बाय द थायमिन एंड ग्वानिन इन आल्सो बाइंड टू द थ्री हाइड्रोजन बाइंड बाय साइटोसिन, इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जो टू एडजेसेंट है उनके बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, इनके बीच का जो भी बेस पेयरिंग होगा उनमें क्या होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट जो टर्न है उसका जो डिस्टेंस होगा वो 34 एंगस्ट्रॉम होगा, एक कंप्लीट जो टर्न हो रहा है उसका जो डिस्टेंस होगा वो 34 एंगस्ट्रॉम यानी वन पिच इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम, ये स्ट्रक्चर बताया। नेक्स्ट इन्होंने बताया एक सिंगल टर्न जो होगा इसमें जो एक सिंगल टर्न है जिसका 34 एंगस्ट्रॉम है उनका जो बेस होगा बेस का जो नंबर होगा वो 10 बेस पेयर होगा, इनमें जो होगा बेस पेयरिंग कितनी होगी 10 होगी। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया जो हेलिक्स है ये डबल हेलिक्स जो दिख रहा है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा, क्या होगा 20 एंगस्ट्रॉम होगा। और इन्होंने एक चीज और बताया कि ये जो भी हेलिक्स है इनमें जो हमेशा जो है वो डिफरेंट प्राइम में होंगे यानी एक जो होगा 5 प्राइम होगा एंड तो सेकेंड इज द देखिए ये जो है 5 प्राइम एंड है 3 प्राइम OH एंड है तो नेक्स्ट इसका जो एंड है 5 प्राइम फास्फेट एंड होगा, तो इसको मैं यहाँ पे बेस पेयरिंग के जो है और ये एंड जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, यहाँ पे फास्फेट सुगर बैकबोन जो है ये 5 प्राइम एंड है एक स्टैंड एक हेलिक्स का है ये, तो एक हेलिक्स में अगर 5 प्राइम एंड है तो दूसरा एंड जो होगा 3 OH एंड होगा, फर्स्ट जो होगा अगर नेक्स्ट वाला जस्ट उसका जो रिवर्स है एंटी पैरेलल है तो एक 3 OH एंड होगा तो सेकेंड इज 5 प्राइम फास्फेट एंड होगा। तो ये टोटल स्ट्रक्चर रहा डीएनए का और डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, तो एक बार मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो डिस्कवरी कहाँ से हुई, न्यूक्लिन की सबसे पहले जो है फ्रेडरिक माइकर ने पस सेल्स से क्या किया न्यूक्लिन को इकट्ठा किया और वही जो है वो क्या है वहीं से क्लियर हो गया कि ये न्यूक्लिक एसिड है और आगे चल के अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया यानी न्यूक्लिन का जो डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक माइकर ने किया। फिर उसके बाद विल्किंस और एसबरी और फ्रैंकलिन ने इनके डीएनए के डबल स्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि डीएनए के कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से जो है इसको क्या किया डिसोसिएट किया और अच्छे से इन्होंने बताया कि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे चल के जेडी वाटसन और फ्रेंसिस क्रिक ने इन्हीं के स्टडी में थोड़ा सा क्या किया मॉडिफिकेशन कर दिया फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देख के एक मॉडल तैयार किया जिसे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से हम जानते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए इज द एसिटिक सबस्टेंस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और डीएनए इज द प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल इन द ऑल लिविंग सेल्स। ऑल लिविंग सेल्स में जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ में नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम, एंजाइम और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। डीएनए मेन जो रोल है इसका वो किस में है, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट में ग्रोथ में और हमारे बॉडी में या सेल डिफरेंस किसके थ्रू सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू। नेक्स्ट है डबल हेलिक स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया, जेडी वाटसन एंड क्रिक ने इन 1953 में, जिन्हें जो है आगे चल के विल्किंसन के साथ इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला इन 1956 में। फिर आगे चल के इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया बताया कि
जो डीएनए जो होता है वो टू पॉलीपेप्टाइड चेन से कंसिस्ट होता है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है वो जो भी इसके जो हेलिक्स होते हैं वो एंटी पैरलर होते हैं। फिर उन्होंने बताया जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो फास्फेट या कह सकते हैं फास्फेट बैकबोन से फास्फेट शुगर बैकबोन से बने होते हैं। फिर इनमें जो पेयरिंग होती है वो चार गाफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। इनका जो डिस्टेंस होता है दोनों हेलिक्स के बीच में वो 20 डायमीटर होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर उसके बाद उनका जो डिस्टेंस होता है वन पिच का वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एडिनिन थायमिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये रहा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप के जो डीएनए हैं उनके बारे में, डिफरेंट फॉर्म के जो डीएनए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।